नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका। ये पूछ रहे हैं सर, पहली बार आपने कैंसर का केस दिया है, कृपया ये भी बताने की कृपया करें कि उस महिला को किस प्रकार का कैंसर था। दूसरा सवाल है, या कृपया लिवर फेलियर और किडनी फेलियर केसेस के बारे में वीडियो बनाइए ताकि हम मरीज लोग समझ आए ताकि हम मरीज लोग ये समझ सकें कि आप अपने तरीके से इस प्रकार के रोगियों का किस प्रकार से इलाज करते हो। अच्छा, मैं एक एक करके इसका जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि कैंसर का केस का मैंने पहली बार वीडियो बनाया, तो ये कैंसर का हो और किसी भी बीमारी का हो, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। हम ना उसका कैंसर देखते हैं, ना उसका जुकाम देखते हैं, ना कुछ उसकी बीमारी देखते हैं। उसकी बीमारी का कोई नाम नहीं देखते हैं हम लोग। हम लोग पेशेंट की वर्तमान मानसिक अवस्था पर प्रिस्क्राइब करते हैं और उससे जो भी रोग व्यक्ति में होता है वो ठीक होने लगता है, वो रोग भी ठीक होने लगते हैं जिसके बारे में रोगी को जानकारी तक नहीं है। तो हम इंसान का इलाज करते हैं, ना कि उसकी बीमारी का। जब इंसान की जो आंतरिक प्रणाली है जो उसे स्वस्थ रखती है वो ठीक हो जाती है, तो उसके शरीर में पनपने वाले रोग भी ठीक हो जाते हैं। इसको कहते हैं जड़ से इलाज करना या क्योर करना। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्योर नहीं होता है, वो सिर्फ मरीज को लाभ या आराम पहुंचाने वाला इलाज होता है, उसको इलाज नहीं कहते हैं। वो सब हर पैथी में इलाज नहीं होता है, बल्कि इलाज किसी पैथी में नहीं होता है, सब में मरीज को आराम दिया जाता है। इसीलिए लोग जिंदगी भर दवाई खाते रहते हैं। तो ये कहना कि आपने कैंसर का दिया, अब आप दूसरा भी सवाल पूछ रहे हैं कि लिवर फेलियर, किडनी फेलियर। अगर वो फेलियर है तो वो फेलियर है, सही होगा नहीं किसी भी दुनिया की पैती से। अगर कोई चीज इस स्तर तक डैमेज हो गई है जिसे कुदरत रिपेयर नहीं कराती है, तो कोई भी दवाई उसको रिपेयर नहीं कराएगी। तो इसलिए ये लिवर फेलियर, किडनी फेलियर केसेस के वीडियो बनाइए। तो अगर ये इस किस्म के वीडियो फेलियर्स होते, इनको हम मैनेज करते हैं। क्योर होना संभव नहीं है, लेकिन मरीज की जो हालत है आजकल बीमारी के कारण, जब वो हमारे ट्रीटमेंट में आएगा तो ये बीमारियां पूरी तरह से तो नहीं ठीक होंगी, पर जो हालत है उससे उसकी हालत में सुधार हो जाएगा, उसकी तकलीफें कम हो जाएंगी। क्योंकि 100% रिपेयर कभी होगी नहीं किसी भी पैथी में। और मैं ये वीडियो मरीजों के लिए नहीं बनाता हूं, मरीज देखते हैं, उनको आधी समझ आती है आधी नहीं आती है, तो इससे बहुत सारी गलत बातें वो ले लेते हैं। तो ये वीडियो मैं डॉक्टर्स को होम्योपैथी सिखाने के लिए बनाता हूं, और इसीलिए मेरा बोलने का स्टाइल भी वो डॉक्टर्स का होता है, डॉक्टर्स के लिए होता है। तो फिर भी आप देखते हैं तो ये आपकी च्वाइस है, लेकिन बहुत सारे मरीज मेरे इन वीडियो को देखकर अपना इलाज शुरू करते हैं, या और दूसरे वीडियो बनाने वाले लोग हैं उनके वीडियो को देख के बहुत सारी दवाई खाते हैं। आजकल तो जो भी मरीज हमारे पास आता है वो पहले से अपना इलाज करके आता है खूब इन वीडियो को देख देख के। तो ऐसा करने से केवल वो अपना नुकसान करता है, क्योंकि जो वीडियो हैं बड़े सुपरफिशियल होते हैं सभी के, उनमें कोई गहनता होती नहीं है। जो किताब में लिखा होता है उसको पढ़ के वो बोल देते हैं। सारे के सारे वीडियो, जितने भी वीडियो उस पे हैं यूट्यूब पर, 99.99% वीडियो सारे वो हैं जो किताब में लिखा। उनका काम सिर्फ इतना है कि उसको कुछ तो सामने अपने लैपटॉप में देख के बोलते रहते हैं, या फिर उसको याद करके बोल देते हैं। उनका अपना योगदान 0 होता है, बिल्कुल 0। उससे ना कोई मरीज समझ सकता है
और ना कोई होम्योपैथी सीखने वाला कुछ समझ सकता है, तो वो सब तुक्केबाजी है। उसी कारण से लोग उल्टा पुल्टा इलाज करके हमारे पास आते हैं, तो ये गलत है। आप देख लें, पर देख के होम्योपैथी सीख कर हमारा अपना इलाज करने की कोशिश ना करें, वो गलत तरीका है।